अच्छा आई डू आई हैव टू डू एनीथिंग ना सुदीप तो था हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सात समुंदर पार इस वक्त है और मैंने सोचा इनके साथ बातें होनी चाहिए। यूएस में है, मॉर्निंग हुई है यहाँ तो, अभी गुड नाइट हो रहा है, तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग दादा, कैमन आछो? गुड इवनिंग अनिमेश, भालो आची, तुम्हें कैमन आछो? चल रहा है दादा, जैसे आपकी हालत है वैसी ही अपनी हालत है, घर के अंदर बैठे हुए चुपचाप। बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे मैं कैसा है जी आपके बारे में जानना चाहूंगा, आप कैसे हैं अभी यूएस में? जो हमने सुना है, जिस तरह का हम देख रहे हैं, अभी कैसा माहौल है वहां पे? माहौल तो अनिमेश यार, कुछ स्टेट्स हैं जो कि काफी रेड लाइट वाला जोन्स हैं, जैसे स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क इज इन अ बैड शेप, स्टेट ऑफ मिशिगन इज इन अ बैड स्टेट। जहां तक मैं लॉस एंजलिस में हूँ, और स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया कुछ हिस्से हैं जो थोड़ा रिस्क में है, पर लॉस एंजलिस एज अ सिटी इस वक्त उतना प्रकोप में नहीं है, कोरोना के प्रकोप में नहीं है, पर वही इंडिया जैसी हालत यहाँ भी है। सरकार एक हद तक पाबंदी लगा सकती है, उस पाबंदी को हम माने ना माने वो दुनिया के किसी भी देश में इंडिविजुअल नागरिक के ऊपर डिपेंड करता है, और हालत यही भी है, वही सेम है। बिल्कुल, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा जो हम हमेशा कह रहे हैं, वी शैल ओवरकम, एक साथ मिलकर इस वक्त पूरे दुनिया को एक साथ होकर एक दूसरे की मदद करनी है, और बहुत जल्द आशा कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन दादा स्टार्टिंग में कंग्रेचुलेशंस, एक्सट्रैक्शन काफी अच्छा लगा है लोगों को, आपका रोल काफी अच्छा लगा है नेटफ्लिक्स पे, मैंने भी देखा, बहुत मजा आया। ओवरऑल इसके बारे में बातें करूंगा, कुछ चीजें लास्ट वीक हुई है, कुछ हमने बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स को खोया है, उन एक्टर्स के बारे में बातें होगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोलकाता से एक लड़का मुंबई गया, मुंबई से वो लड़का हॉलीवुड की मूवी कर रहा है, तो हमारा एक ग्रोटा नहीं है, एक जो भी बोलो हमारे साथ शेयर करो, तो जर्नी टा एक शेयर करो दादा प्लीज। बांग्ला बोलो ना हिंदी तो बोलो, जे कोनो लैंग्वेज, हिंदी बंगाली दोनों मिक्स करके बोलिए दादा। तो शुरुआत कलकत्ते से हुई है, तो वे बैक, ये उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात, फिर से ये उन दिनों की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट में हम जा रहे हैं, ठीक है। 1999 जहां तक मुझे आईडिया, 1999 में कोलकाता में आप काम आपने शुरुआत किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1999 में कलकत्ते में मैं सीरियल्स वगैरह किया करता था, मैंने कुछ सीरियल्स लिखे भी हैं तो उस वक्त, और 2000 में आई वेंट टू हैदराबाद, तो তখন একটা প্রাইভেট চ্যানেল এসেছিল, আমি এখন নাম নিচ্ছি না, প্রাইভেট চ্যানেল এসেছিল, তো তারা হায়দ্রাবাদ থেকে অপারেট করত, হ্যাঁ, আপলিঙ্কিং থেকে, শুটিং থেকে, সবকিছু হায়দ্রাবাদ থেকে হতো, তো তখন আই ওয়েন্ট টু হায়দ্রাবাদ, এন্ড ওয়াহা হায়দ্রাবাদ জানে কে বাদ পহলি বার মানে ইতনে ল্যাভিশ সেটস, ইতনে ল্যাভিশ প্রোডাকশনস, ভ্যান মানে জিন্দগি মে পহলি বার দেখা থা। हमारे वक्त पे ना कलकत्ते में, अभी कैसे वैन बड़ा रेगुलर चीज है, लेकिन कलकत्ता हो गया है, हाँ, मैंने पहली बार वैन देखा था, और अनिमेश यार मैं अचंभित रह गया था कि अरे ऐसे भी होता है क्या। सो देन आई सेड कि देखो अगर गेम को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेना है तो बंबई जाना पड़ेगा, तो बस पहुंच गया बंबई, एंड लाइक द सिटी बॉम्बे, वो फिल्ट्रेशन में बॉम्बे आपको लेती है कि पहला पड़ाव जो है जूते घिसो, रगड़, धक्के खाओ, रिजेक्शंस झेलो, भुखमरी देखो, उसके बाद शहर कहती है कि हाँ भैया क्या है तुम्हारा, एप्लीकेशन तो देखते हैं। तो आई वाज नो क्या कहते हैं एक्सेप्शन टू दिस, ऊपर नीचे होता रहा, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी विद अ सीरियल फॉर सोनी, अजय देवगन वॉज द प्रोड्यूसर, हाँ, कॉल्ड देवी, मोनीश बहल वगैरह थे, सोनी टीवी पे आया करता था उस वक्त, आई थिंक 2004-5 देवी खत्म हुआ, मैं इधर उधर ये सीरियल वो सीरियल, बालाजी के सीरियल वैसे कर रहा था, बिकॉज क्या होता है कि वंस यू आर इन बॉम्बे यू नो existence, survival becomes a very big question. That time, you cannot focus on things ki nahi yaar mujhe sirf film hi karna hai, mujhe badi film karni hai, choti film nahi karni hai, ye sab nahi. Sabse Bombay teaches you one thing, the biggest art form is survival. Khali pete shilpo hai na,
এটা বম্বে শহর তোমাকে শিখিয়ে দেয়। তো যে সময়টা করছিলাম তো এনিথিং এন্ড এভরিথিং দ্যাট ওয়াজ কামিং, চাহে সিরিয়াল হো চাহে ডাবিং হো, মানে সব কিছু কর রহা থা তাকি জিন্দগি কি গাড়ি চলতি রহে। ইস দৌরান 2006 মাই ডটার ওয়াজ বর্ন এন্ড দ্যাট টাইম আই সেড কি বাবা আপ না থোড়া কাম পে ধ্যান দেতে হ্যাঁ, থোড়া আচ্ছা কাম করনে কি, চাহে ভলে ছোটা কাম করেন পর কাম বডি অফ ওয়ার্ক জিসে কহতে হ্যায় ও থোড়া সা ইম্প্রেসিভ হো। দ্যাটস ওয়েন ফর্চুনেটলি গড উইলিং এমটিভি ওপেনড ফর মি, আই বিকেম আ পার্ট অফ দ্য বকরা টিম এন্ড আই জাস্ট প্লেন সিম্পল ফোকাস লগা কে মানে এমটিভি করতা রহা করতা রহা লগভগ 5-6 সাল 2010 তক কে মানে সিফ এমটিভি করতা রহা। 2008 মে ইস বিচ আই ওয়াজ ডুইং ফিল্মস ইন বম্বে, কুছ ফিল্মে বনি নেহি, মতলব কুছ ফিল্মে আধি বন্ধ পড় গই, কুছ ফিল্মে কি মানে রিলিজ হুই বট জিস তরহ কি অপেক্ষা রাখি থি উস ফিল্ম সে ও অপেক্ষা নেই হ্যায়। বট সার্কেল স্টার্টেড নোয়িং মি। ইস দৌরান আই ওয়াজ ডুইং আ ফিল্ম এন্ড the actress of the film, the lead actress of the film was a Tamilian actress. She referred my name to somebody. One day I got a call from a director called Lal from Kerala and he said that we want to work with you, so just aapko hum ticket bhej rahe hain. And in fact wo bahut jaddojahad wali baat thi unke liye, because unke pure unit mein koi hindi nahi bol pa raha tha. अंग्रेजी में भी काफी फाइट थी, तो किसी को उन्होंने लाया, एक प्रोडक्शन वाले ने आधा इंग्लिश आधा हिंदी में मुझे समझाया कि आपको एक आपका मेल आईडी दीजिए, मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ, आप एक दिन के लिए आ जाए। तो मुझे याद है मैं 2008 में केरला गया था एक दिन के लिए कोचिन, एंड यू नो आई वॉज नरेटेड अ स्टोरी, they made me audition for one particular scene and agle din subah wo production wala mujhe jab lene aaya airport ke liye usne mujhe ek check thamaya aur kaha ki sir ye dates kisi ko dene se pehle hame ek bar phone kar lijiye. Kya that began my journey, first time my debut as a villain in South Indian film with a film called Tu Harihar Nagar and which released in 2009, Malayalam film thi. अनिमेश उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, उसके बाद देखते देखते 42 फिल्में हो गई तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम सबके फेवरेट हो और बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स में आप नजर आए हो, जैसे कि आपने कहा साउथ इंडियन मूवीज की बातें करें या हिंदी सीरियल्स की बातें करें, मूवीज की बातें करें, अब तो आप हॉलीवुड मूवीज भी कर रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है बढ़ता रहा। लेकिन आपके लाइफ का अगर टर्निंग पॉइंट कहें जो एक काफी काफी कुछ आपको ग्रोथ हुआ, वो देवी होगा या फिर साउथ इंडियन मूवीज, या फिर कोई एक पॉइंट जो आपको लगा कि बहुत कुछ चेंज हो गया? नहीं, हरिहर नगर, टू हरिहर नगर, मतलब देखिए अनिमेश क्या होता है ना कि आम तौर पे जो कमर्शियल लूप ऑफ सिनेमा है वो बड़ा फिजिकलिटी पे काम करता है, ठीक है? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेज, 2008-09 आप ले लो, मेरी फिजिकलिटी का एक शख्स, एक एक्टर एक नेगेटिव किरदार निभा पाएगा वो भी बड़े पर्दे पे कमर्शियल फिल्म में एज अ मेन विलन, ये उस वक्त कोई सोच नहीं रहा था। तो उस वक्त बॉम्बे में मुझे जो काम मिल रहा था, काम नहीं था ऐसा नहीं कहूंगा, काम था, काम मिल रहा था कैसे, हीरो का मोटा दोस्त, मोटा पुलिस ऑफिसर, मोटा पड़ोसी जो जिसको कुछ काम काज नहीं है, हर दूसरे के काम में यू नो टांग अड़ाता रहता है, इस तरह के roots. Because, you know, a fat guy can is only supposed to do these things. Those days. Once again, I would repeat the word those days. But उस समय की बात है. उस समय की बात है. And the thing is, Malayalam cinema had always been progressive. Always been very, very progressive. And they actually could think. Means if you see Harihar Nagar ever, you will see it's a out and out commercial film. It's an out and out commercial film. Char leading heroes, Kamal action. There to be a
main villain was a big thing for me. So I would always say that turning point in career is to Harihandagar. Yeah. And I owe so it to Malayalam cinema. I owe it heavily to Malayalam cinema. क्या बात है, मलयालम मूवीज ने आपको काफी कुछ दिया है सर, और इसके कहानी हम आपको देख पाए इतने सारे अच्छे रोल्स में। तो श्रीतो ये बताइए कि इतने सारे लैंग्वेजेस में आपने किए, साउथ के लैंग्वेजेस खास करके बातें करें, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी स्टार्टिंग के टाइम में आपको? अरे प्रॉब्लम तो इज एन अंडरस्टेटमेंट है भाई। प्रॉब्लम से बड़े 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 बिग प्रॉब्लम। तो देखो ऐसा है कि बड़ा मैं बड़ा ट्रांसपेरेंसी और फ्रेंकली बातें करता हूं। अब कैसा है, कलकत्ते में पले बढ़ते हैं तो साउथ के लिए क्या होता है कि एनीथिंग ओवर एंड अबव द विंध्यास इज नॉर्थ इंडिया। अच्छा, हम भी कुछ बेहतर नहीं है, हमने भी बचपन से कभी ये नहीं सीखा था कि ये तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम, हमारे लिए सारे मद्रासी थे। सो ये जो मेंटल ब्लॉक एंड ट्रांजिशन ये जो था ना कि नहीं भाई साहब, ये अलग अलग क्षेत्र है, अलग 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 अलग, हाँ। अलग अलग राज्य है, इनकी भाषा अलग है, इनके रहन सहन, इनके कल्चरल ग्राफ अलग है, ये तो सबसे पहले ये इम्बाइब करना था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैंने मलयालम फिल्में देखी नहीं थी, मैंने देखी थी कुछ, देखे थे। पर यस, शुरुआती दौर पे तो मेरे शुरुआत के पहले 8 या 10 फिल्म में अक्रॉस 4 लैंग्वेजेस में प्रोड्यूसर्स हैज बीन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नाइस, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दादा आप एक काम करना, शूटिंग शेड्यूल शुरू होने से 2 दिन पहले आ जाना, हमने आपके लिए एक लैंग्वेज कोच रखा हुआ है, आप अपने पूरे सीन्स कर लेना लैंग्वेज कोच के साथ। तो उन दिनों में मैं क्या करता था कि देखो 90% ऑफ दीज लैंग्वेजेस व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग, इफ यू डोंट स्पीक दैट, द बेस्ट वे टू डू इट इज राइट दैट होल थिंग इन योर ओन लैंग्वेज। या तो आप हिंदी में लिख लो या तो आप बांग्ला में लिख लो, भूले भटके कभी भी इंग्लिश में मत करना जी। तब तो बुरी तरह से बैंड बजने वाली है, क्योंकि जैसे कि इफाई से न्यान, अब न्यान को आप कैसे लिखोगे इंग्लिश में, वो आएगा ही नहीं, नहीं आ पाएगा जी, बिल्कुल वो नहीं आ पाएगा। इफ यू डू एन वाई ए एन, इट साउंड्स दैट एन वाई एस ए इज निशा, N Y A N is Nyan. It is not Nyan. Yeah. But Bangla J Murti tumi likhe nicho. Noy Jofola Akarno. Onekta tumi 80% kacha kacha ashcho. Right, right. Ar tumi to janchoi je tomar pore eta keu na keu dub korbe. But at least you should be decent enough as an actor, considerate enough as an actor ki chalo samne wale ko ek गाइड ट्रैक, पायलट ट्रैक एक ढंग का दे दूं। मिल तो रहा है जी। तो पहली 10-12 फिल्में जो थी काफी फाइट थी भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, काफी फाइट थी। मतलब मैं शूटिंग किया करता था और वापस आता था होटल में, रात भर वो रट्टा लगाने का, स्कूल के दिन याद आ जाते थे यार, रात भर वो रट्टा लगाता था फिर सुबह। उसके बाद से थिंग्स, बाय दैट टाइम आई कुड अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, काम चलाओ थोड़ा बहुत तमिल, थोड़ा बहुत तेलुगु, थोड़ा बहुत मलयालम, थोड़ा बहुत कन्नड़ आने लगा था, यू नो द बेसिक्स। तो इट बिकेम, आई वाज फैमिलियर विद द टोन ऑफ द लैंग्वेज। पहले कैसे था कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन कॉम्प्रिहेंड दैट व्हाट, व्हिच लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, बट बाय द 10-12 फिल्म I knew he is talking to me in Tamil. He is, this is how it is. These are the intonations of the language. वो पकड़ में आ गई थी 10-12 फिल्मों के बाद। बिल्कुल, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। आपने बहुत सारे और भी मूवीज किए, तो मुझे ये बताइए कि साउथ की जो शूट होती है, साउथ के जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, शूटिंग यूनिट होती है, वो काफी अलग है और काफी एडवांस्ड है कहा जाता है हमेशा से। तो आपने कितना डिफरेंस देखा, अगर हम बॉलीवुड की बातें करें या साउथ मूवीज की बातें, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, आपको क्या लगता है? सर डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन इज द कीवर्ड, डिसिप्लिन वाज द कीवर्ड। देखो मैंने हिंदी फिल्में भी की है, बड़ी हिंदी फिल्में की है जी, और हम अक्सर कैसे देखते हैं कि यार इट इज अ गिवन, एक्स इज अ हीरो और वो सेट पे मान लो कि 10 बजे का कॉल टाइम है, वो 12 बजे पहुंचेगा। अगर 12 बजे पहुंच गया तो भैया प्रोड्यूसर उस दिन शुक्र मना ले कि भैया बहुत बड़ी बात, आज तो लॉटरी निकल गई है मेरी कि आज हीरो सिर्फ 2 घंटे लेट आए। ये नहीं होता है, भले आप सूर्या के साथ काम कर लो,
आप महेश बाबू के साथ काम कर लो, अल्लू अर्जुन के साथ काम कर लो, मोहनलाल सर के साथ काम कर लीजिए, तो जिस कन्नड़ में कीचा के साथ काम कर लीजिए सुदीप के साथ, ये नहीं होता है। दस मतलब दस नंबर वन। नंबर टू है कि एक रिस्पेक्ट है और कहीं जाके ना थोड़ा शो कम है, शोशाबाजी कम है अपने यहाँ पे। okay. कैसे होता है कि मतलब एक हम बड़ी सी सेट लगा देते हैं, उसके बाद हम इंस्टाग्राम करने लगते हैं कि देखो हमने पूरी फिल्म सिटी लेकर, हेलीपैड लेकर मैंने गांव बनाया हुआ है, आज मेरे पास 800 जूनियर आर्टिस्ट आए हैं, मैंने आज 25 जनरेटर्स लगाए, 200 मेकअप वैन आए हैं। आप देखिए जब बाहुबली की शूटिंग हो रही थी, इससे बड़ी फिल्म तो इंडिया में आज तक बनी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बाहुबली के दौरान चले जाइए, उस वक्त भी इंस्टाग्राम था, उस वक्त भी फेसबुक था, उस वक्त भी ट्विटर था, कितनी बार आपने देखा है नहीं। तो ये जो है कि सादगी से काम करते हैं, चाहे भले कितनी ही बड़ी फिल्म क्यों ना हो, सादगी से काम करते हैं, काम के प्रति एक निष्ठा है, एक ऑनेस्टी है, और इस बात में ये बहुत यकीन रखते हैं कि अगर मेरे काम में दम है, इफ आई हैव बैटिंग स्किल्स, मैं पिच कोई भी पिच हो रन स्कोर बनाए लूंगा, बिल्कुल स्कोर बनाए लूंगा, और अगर मुझ में बैटिंग स्किल नहीं है, भाई साहब आप मुझे हजारों बार बीसीओ बार इंडिया टीम में ओपन करवाइए, मैं डफर ही निकलूंगा। ये बात की जो क्लैरिटी है वो वहां है। अब नेक्स्ट बात आती है कि स्टार सिस्टम क्या वहां नहीं है? ऑफ कोर्स बहुत है स्टार सिस्टम, दे हैव बिगर स्टार, एज बिग एज एनी ऑफ द खान्स और कपूर्स और द सिंग्स, बट मैटर ऑफ डिग्री में दे आर मच मोर, क्या कहते हैं, टोन डाउन। और ये मींस आप बहुत कम देखोगे कि साउथ का कोई ए लीग सुपरस्टार किसी पार्टी में जाके इज posing for a page 3. आप समझ रहे हो, you know what to say, but in Bombay it's a norm. आप अगर नहीं दिखे वहां पे तो वो थोड़ा सा, तो आप you've not yet arrived. तो ये सारी चीजें हैं जो difference करती हैं, बिल्कुल। तो सुनीता ना, मुझे एक बात आप बताइए कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे चीजों करते करते आप हॉलीवुड तक पहुंचे हैं, तो पहली इनकम आपको याद है जो आपको शूटिंग के दौरान या कमर्शियल के दौरान, या आपने उस समय जब आप एमटीवी कर रहे थे, कोई एक दौरान पहली आपकी इनकम थी जो आपको याद है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, वो देखो ऐसा है, जब आप बच्चे के बाप बन जाते हो ना, तो आपको वो याद रखो, वो सबसे पहले याद रख, याद है तुम्हें तुम्हारे फादर ने इतना पैसा पहली बार कमाया था और तुम आज पैसे गवा रहे हो, वो हाई हर बार वो जरूरी है, वो हाई वोल्टेज ड्रामा करता है, मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। सो आई रिमेम्बर माय फर्स्ट अर्निंग वाज 75, उन दिनों की बात है, अब फिर ब्लैक एंड व्हाइट में हम जा रहे हैं। सो ये 75 रुपीज है, 75 रुपए कलकत्ता, there was this director called Indranil Goswami, Kabulda. उनका जी के लिए कुछ प्रोडक्शन था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और दो ही शब्द कहने थे, दरवाजा खोलना था और दरवाजा खोल के ये कहना था कि सर आपके लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बस इतना सा काम था। हाँ, 75 रुपए मुझे मिले थे और मुझे अभी भी याद है, वो मैं सुबह सुबह आ गया था और सो वो 75 रुपए मुझे अभी भी याद है। एक छोटा सा टेक था और 75 रुपए आपको पहले इनकम में मिले, क्या बात है, 75 रुपीज, बिल्कुल 75 रुपीज से शुरू हुआ, इतना कुछ आपने किया। लेकिन सर अब मैं कुछ और बातें आपके साथ करना चाहूंगा। लास्ट वीक जो दो हमने बॉलीवुड के बहुत नामी बॉलीवुड किया, हॉलीवुड से भी इरफान सर जुड़े हुए थे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि आपने काम किया है इरफान सर के साथ, अगर हमारे साथ शेयर करें वो मोमेंट हमारे साथ शेयर करें। देखो ऐसा है कि
the loss. The, like we say that losses are there, it happens and all, but this loss is irreparable, number one. In as far as Irfan Bhai is concerned, irreparable loss. There is nothing new that I can say for Irfan Bhai as actor Irfan. But what I would like to say is about the human being Irfan, which you get to know when you work with Irfan Bhai. Okay. We were doing a British film together. The name of the film was pehle working title tha Meridian Lines. Fir baad mein usko release kiya gaya tha Karmaya karke. It had a British release. And us dauran kya tha ki, we had all seen Irfan Bhai's work and this that. And eventually, when you are doing a scene with him, toh thoda bahut nervousness hota hai, ye hota hai. Unki जो थिएटरिकल बैकग्राउंड थी, चाहे वो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बैकग्राउंड ले लीजिए या सालों तक थिएटर से जुड़े हुए रहने का एक जो डिसिप्लिनरी ये था, ही यूज्ड टू मेक श्योर कि इफ यू आर डूइंग अ सीन विथ हिम यू रिहर्स दैट सीन. एंड बड़ा ओपनली वो रिहर्स करते थे कि मान लो कि आप और मैं सीन कर रहे हैं, अरे अनिमेश तू ना एक काम कर, सुदीप्तो को पहले बोलने दे और बीच में तू एक बार अगर आ जाएगा ना इंटरप्ट कर ले एक कोई भी इसके साथ, तो उसमें ना ग्राफ का ये होगा. सो ग्राफ का ये होगा, उसका सीन का इंपैक्ट बढ़ जाएगा, तेरा प्रेजेंस का. सो दैट वाज लाइक, एंड व्हेन यू आर वर्किंग, सी व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ एक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन दैट वो सेट पे आते हैं. हाँ सुदीप तो तेरे लाइंस हो गए ये वो. हाँ वो एक होता है ब्रो व्हाट्स अप ब्रो ऐसे करते हैं, फिर आप हग करते हैं, डन 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 हो गए भाई चलते हैं चलते हैं. ऐसे नहीं था, आपने रिहर्सल किया, आपने ये किया. एंड यू नो व्हाट आई वुड से, लाइक यू सी आई इफ यू फॉलो क्रिकेट यू विल सी अ गुड बैट्समैन और अ गुड कैप्टन व्हाट ही डज इज ऑलवेज अलाउज द रनर टू टेक अ स्ट्राइक, राइट. Irfan Bhai was like that. It's not only even if the scene was on him, and if you were a part of it, he made sure ki aapke paas bhi do ball ka strike rahe. Aapke paas bhi do ball ka strike rahe. I think that was the greatness of the man. Aisa nahi hota hai, kafi sare actors hota hai na ki haan, theek hai, main na ye jagah pe Animesh ka light card dunga, ya ye jagah pe na main Animesh ko kha jaunga. Nahin, he believed in the holistic approach ki ये सीन को अगर एकदम 100/100 करना है तो अनिमेश को भी उतना ही इंपॉर्टेंस, चाहे भले लाइंस ना हो, फिजिकलिटी में किसी भी तरह से उसका प्रेजेंस भी फील करवाना बहुत जरूरी है, तभी लोग देखेंगे. और ये एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है, सबको लेके चलना और सबको लाइमलाइट में रखना. एंड यू वर सो डाउन टू अर्थ, यू विल नॉट बिलीव, यू वर सो डाउन टू अर्थ. हंसी मजाक बड़ा ना वो माहौल बनाने वाला इंसान बना के रखा हुआ. बहुत बहुत बहुत, इट्स अ लॉस. इट इज मींस ऑफ कोर्स एक्टर इरफान वाज एन इंस्टीट्यूट. आप जितनी भी उनकी फिल्में देखे, चाहे वो चंद्रकांता सीरियल उठा के आप देख लो, जी जी हां, तब से लेके आज तक, मींस टिल हिज लास्ट फिल्म, ही वाज एन इंस्टीट्यूशन. बट एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, कई बार होता है कि एक्टर बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू वर्क विद हिम एज को एक्टर्स ना, फिर आप बोलते नहीं हो, पर आप मन ही मन या आप अपने मैनेजर से कहते हो यार फलाना बड़ा पेन है यार. इरफान भाई के लिए ना वो निकलता भी नहीं है, नहीं निकलेगा बिल्कुल. वो किसी भी को एक्टर जो भी उनके साथ काम किया है ना, वो निकलता नहीं है. मतलब ही वाज सो नाइस, वो एक जेन्युइनिटी. एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अनिमेश हमारे फील्डটাতে ना ऑनेस्टी खूब कम, ट्रांसपेरेंसी खूब कम, ওইটা ছিল মানুষটার মধ্যে যেটার জন্য না মনে হয় না, সেই কি হয় না জানো তো, তোমার ভিতরে যদি অনেস্টিটা থাকে না সেটা না তোমার ক্রাফটে দেখা যাবে. আর তোমার যদি বেসিক ভিতরটাতে না থোড়া বহুত সারা ফার্টিলাইজার মিলাওয়া হুয়া হ্যায় না, ও ক্রাফট পে নেই দিখতা হ্যায়. ইরফান ভাই কা ক্রাফট পে দিখতা থা, উনকি জো নেকি থি না অন্দর, ও ক্রাফট পে দিখতা থা.
बिल्कुल। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम क्रिकेट के साथ ही उनको जोड़े तो अगर आपको नहीं लगता कि उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ अपनी करियर की शुरुआत की थी और वो अच्छा खेल रहे थे करते करते लास्ट के 10 ओवर्स बाकी थे और वो एकदम टॉप पे थे और अब उनको और एक के बाद एक हिट नंबर्स उनके होने वाले थे, यानी कि छक्के चौके और भी लगने वाले थे, थोड़ा जल्दी ऊपर वाले ने उनको बुला लिया, आपको क्या लगता है? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज 100% true, because he had way, way, way more to give, and we as audiences, हमारी अपेक्षा उनसे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी, and अगर उनके देहांत से, I think world cinema कुछ mind blowing किरदारों से, mind blowing performance से महरूम रह गए, this is number one, but number two. I think Honi ko koi taal nahi sakta. God is always there. I think he departed from the ground like Sunil Gavaskar na 10,000 run bana liye uske baad ek shaan se ki na shaan se bilkul wo badshah jo hota hai na apne takht ko barqarar rakhte hue ek din kehta hai ki bas मैं जा रहा हूं, तो वो जो एक यू नो लेगेसी उनका पीछे छोड़ा हुआ काम का लेगेसी, एंड दैट मैन जब बादशाह थे तख्त, कोई कई सारे एक्टर्स होते हैं कि एक्टर्स लाइफ इज वेरी क्या कहते हैं मेलंकली, अकेलापन है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं, आप एक ना एक वक्त पे आपका तख्त जो है वो या तो छीन जाता है या तो आप वो तख्त खो बैठते हो या वो तख्त से दूर चले जाते। ये वो बादशाह था जिसने तख्त को कायम रखा और एक दिन क्या कहते हैं he left this kingdom for the other kingdom। बिल्कुल सही कहा। वैसे हम सब जानते हैं शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट और भी ढेर सारी बातें होगी आपके साथ। सुप्रता मुझे बताइए, नेटफ्लिक्स के अगर हम बातें करें, आपके नए हॉलीवुड पहला प्रोजेक्ट की अगर हम बातें करें, कंग्रेचुलेशन, जैसे कि मैंने आपका बहुत पसंद आया, अगर एक्सपीरियंस हमारे साथ थोड़ा शेयर करें सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस था। बीच में क्या है कि मैं 2017 में ना भाई मैंने काम करना छोड़ दिया था, 2017 में मैं काम करना छोड़ दिया था, 2017 में मैंने लास्ट मलयालम फिल्म की थी तियान, उसके बाद मैंने कहा कि अब ठीक है, सो मैं पहाड़ों में चला गया था बॉम्बे छोड़ के। ऊटी के पास एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है कुनूर। मैं कुनूर चला गया था, सो आई स्टार्टेड अ स्मॉल रिसॉर्ट एंड अ रेस्टोरेंट, और मैं खुद खाना बनाता था वहां पे। अरे वाह। तो वो खाना बनाना, खेती बाड़ी करना, मैं वो फेज पे चला गया था कि मैं वहीं रहता था। बीच में बहुत लोग फोन करते थे, यहाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा था। तो मैं बड़ा किसान मोड पे चला गया था कि भाई ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाता था, सुबह जो मेरे रेस्टोरेंट मेरे रिसॉर्ट में जो गेस्ट रहते थे उनके लिए वो फ्रेश वेजिटेबल्स का कुछ बनाना, ये करना, मैं उसी में, एंड लिविंग विद द डॉग्स, मुझे डॉग्स से बहुत प्यार है, मैं लिविंग विद द डॉग्स एंड ऑल, वो फेज में था। दैट्स व्हेन आई थिंक 2018 यस 2018 टेस जोसेफ कॉल्ड मी फ्रॉम बॉम्बे। She was the casting director for this film. And she said, ki, Shudupta, there is something, would you like to do? Because what I hear from people is that you're not working these days. I said, yaar, kya hai? So she said, this. She didn't tell me what the premise of the film is, who is the producer, who is the cast, nothing. Like this, would you like to do? It's a small role, but let me just tell you. And I have never, Animesh, believed in the length of a role. I've never ever believed in the length of a role. So I auditioned. I sent a tape, self-auditioned tape, because I knew Tess's body of work. Because she doesn't take up anything and everything. So I believed in her body of work and I had sent that. And within 2 days, they said, Kishudupto, you are on board. And that's when I got the script, I got the character graph, that's when I came to know about who the hero is, who the producers are, who is the director, everything. Wo baad mein pata chala, sabse pehle maine ekdam plain simple sa test ka body of work pe believe karke maine wo audition diya tha
एंड उसके बाद गॉड हैज बीन ग्रेट सो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. बिल्कुल, और लोगों को काफी पसंद आया और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सुनीतो दा आप इसी तरह काम करें. बिल्कुल, हम सबको छोड़ के आप किसानी करते रहो आप, लेकिन आपको शूटिंग भी करनी होगी, आपको अच्छे अच्छे रोल्स में हम देखना चाहेंगे. ओके, क्या 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 अभी लॉकडाउन में आपने कुछ बनाया स्पेशल, कोई मेन्यू रेसिपी कुछ हुआ कुछ आपने बनाया, कैसे टाइम बीत रहा है लॉकडाउन का? यार लॉकडाउन में ना मैं दो तीन चीजें मस्त कर रहा हूँ. अच्छा, मैं पेड़ पौधे उगा रहा हूँ, ठीक है, बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, नींबू का पेड़ लगाया हुआ है. बड़ा ढूंढ ढूंढ के एक मेक्सिकन से मैंने गोंधोराज लेबू मुझे मिला है, इट्स अ मेक्सिकन वर्जन ऑफ गोंधोराज लेबू, वो मैं उगा रहा हूँ. सुबह उठता हूँ, घर के कामकाज करता हूँ, वो पूल वूल साफ करना, फिर बगीचे में पानी देना, ये वो करना, उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ. यार मैं मस्त खाना वाना बनाता हूँ, बहुत सारी फिल्में देख रहा हूँ, बहुत सारी, चाहे मैं तो एक एक दिन में एक एक सीरीज देख रहा हूँ. आई फिनिश्ड कैलिफेट इन वन गो, आई फिनिश्ड फौदा वन टू, यू नॉट बिलीव अनिमेश, मैं फौदा वन टू एंड थ्री क्या कर रहे हैं तीन दिनों में देखा. वेला आदमी और क्या करेगा भाई, वेला आदमी और क्या करेगा. अब देखो यहाँ वहां, अब अपने यहाँ कैसे होता है कि आप अगर किसी भी एक्टर को फोन, को एक्टर को फोन कर लो, ये ना 5-10 मिनट बाद ना वो यार पता है वो अनिमेश ने वो फिल्म की थी, मजा यार, यार उसमें से क्या मिलता है. मैं इतने साल हो गए ना स्ट्रेट में, वो बैक बाइटिंग, इसके इसकी बात उसको करो, उसकी बात इससे करो, और नेगेटिविटी बढ़ती है. फिर पौधों के साथ रहो, मस्त पिक्चरें देखो, खाना बनाओ, थेरेपी होती रहती है. और ये जो सिचुएशन है, ये सब मेरे अकेले की नहीं है, पूरी दुनिया इस बात इस सिनारियो से जूझ रही है. अब वैसे ही माहौल में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में इतनी नेगेटिविटी है, उसमें अगर मैं तड़का लगाऊं, मेरी जिंदगी बस लगने वाली है, किसी की और कुछ नहीं होने वाली. आप सोचोगे, वही सोचते रहोगे, क्या होगा, क्या यार जो होगा वो देखा जाएगा. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही. मेरे बहुत सोचने से, ओवरथिंक करने से, कल रातों रात तो भाई कोविड-19 गायब तो हो नहीं सकता. हम ये सोच सकते हैं कि इसको, इस बात को से, यू नो, इस हाउ टू गो थ्रू इट, बट हाउ टू इरेडिकेट इट, इट्स नॉट इन माय हैंड, इट्स नॉट इन योर हैंड. All that we can do is keep a mental stability, keep sanity, and just find out a way to go through it, boss. बिल्कुल. आखिरी सवाल सुरीप्त दा, अपने अंदाज में थोड़ा हमारे बंगाली भाई लोग को थोड़ा कुछ कहते जाइए आप, क्योंकि आज लॉकडाउन थर्ड शुरू हुआ कोलकाता में, बंगाल में, इंडिया में, और जैसे ही लीकर के दुकान खुले, 300-400 हजार लोग, 100 लोग, 1000 लोग एक साथ खड़े हो गए, धज्जियां उड़ गई सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उन सभी से कुछ कहते जाओ आप सर. একটাই কথা বলবো যে ঠিক আছে, মানে আমি দু মাস ওয়েট করতে হয়েছে, মদ খাওয়াটাও জীবনে খুব একটা দরকারি জিনিস. হ্যাঁ, কিন্তু কি বলতো, মদ তো তুমি না অনেক খেতে পারবে যদি তোমার জীবনটা থাকে. হ্যাঁ, মানে তুমি আজকে গেলে একটা বিস্কির বটল নিয়ে এলে, পুরোটা খেলে, তুমি বুঝে উঠতে যেটা পারছো না, সেটা হচ্ছে তুমি যখন উইস্কির সাথে সাথে হয়তো তুমি কোভিড-19 এর জার্মসটাও বাড়িতে নিয়ে এসছো, এক নম্বর. তো তোমাকে এইটা ভাবতে হবে, যে কাউকে এইটা ভাবতে হবে, ওই দুপেক উইস্কি খাওয়ার সাথে সাথে নিজেকে এক্সপোজ করাটা কি এতটা দরকার, নাম্বার ওয়ান. নাম্বার টু, চলো তুমনে উইস্কি পিলি, তুমি বহুত মজা আয়া, সুকুন আ গিয়া, তুম বড়া ও হতা না, मैं आज का बादशाह हूँ, वो फील आ गया. बट डू यू हैव द राइट टू एक्सपोज योर मदर, फादर, फैमिली मेंबर्स, योर डॉटर, आपके बच्चे जो आपके साथ उस एक छत के नीचे रहते हैं, डू यू हैव द राइट टू एक्सपोज देम बिकॉज आपको वो दो पेक विस्की पीना था. बस इतना ही कहूंगा कि ये सोच ले, ठीक है, मैं कोई उपदेश वगैरह दे, आजकल कोई उपदेश सुनता नहीं है, बच्चा सब बुद्धिमान है, और हम सब ने अपनी अपनी मास्टर डिग्री व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से की हुई है, तो वहां बहुत सारे बुद्धिमत्ता की पहचान मिलती है मुझे, तो मैं कुछ ज्यादा भाषणबाजी में नहीं है, पर वो ये इतना सोच ले कि आपकी 2 मिनट के लिए, वो 2 पेग पीने की खुशी के लिए, पूरे परिवार को आप वो एक बड़ा वल्नरेबल सिचुएशन में, इज इट वर्थ,
जान है तो जहान है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत पियेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मजा नहीं आएगा कि इस वक्त आप अपने आप को और फुल फैमिली को उस जान के जोखिम में डालते हो दो मिनट के मजे के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुहीप, तो था हमारे साथ बातें करने के लिए, एक छोटा सा इंटरव्यू था। मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी आप इंडिया आए, कोलकाता आए, ढेर सारी बातें स्टूडियो में बैठ के भी हम करेंगे। खूब भालो लगा लोगों तुम्हारे साथ कथा बोले, भालो थेको, अभी आपको सेफ रहना है, जल्दी जल्दी से आपको ठीक होके आना है, अभी सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी आइए। बस तुम्हें सावधान थाको, भालो थाको, और कोलकाता एले ব্যাপক দেখা হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, মজা হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হবে, একদম একদম একদম, ভালো থেকো দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট ব্রাদার, গুড নাইট ব্রাদার, গুড নাইট, গুড নাইট, টেক কেয়ার, গুড নাইট, বাই।